हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आज आप लोगों को अपने DIY प्लांटर फ्रेंड जो मैंने बनाए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे बनाए हैं। सबसे पहले फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत में ये देखिए कि मेरा प्लांटर ये बहुत पुराना है फ्रेंड। ये कुर्सी एक टूट गई थी, उसका ये रिंग है और पीछे मैंने इसके नारियल की रस्सी लपेट के इसको बनाया है। और फ्रेंड ये मटकी पूजा की है जिसको मैंने पेंट कर दिया था। अब इसका पेंट फ्रेंड उतर भी लग गया है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है। और फ्रेंड इसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगा दिया था और ये जो साइड में चिड़िया टंगी हुई है ये भी बहुत पुरानी थी तो लगा दी। और फ्रेंड ये देखिए, ये तीन टीन के डिब्बे मुझे आज स्टोर से मिले हैं फ्रेंड। ये रसगुल्ले का डिब्बा है, काफ़ी पुराना डिब्बा है ये, आप इसको देख ही रहे होंगे। और फ्रेंड ये अमूल घी का डिब्बा है और ये एक ये डिब्बा, तीन फ्रेंड मुझे ये डिब्बे मिले हैं तो इनका मैंने यूज़ करने का सोचा। तो घर ही में जो सामान था फ्रेंड मैंने उसी से प्लांटर बनाए हैं फ्रेंड। ये पुरानी अबरी पड़ी हुई थी जो दिवाली वगैरह पे आती है और कहीं कलरफुल है तो इसी में से कुछ मैं चुनूंगी इसके लिए। और फ्रेंड मैं अब इस अबरी का यूज़ करके प्लांटर बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक ये ग्रीन कलर की बहुत प्यारा सा कलर लगा तो मैंने इसी की पहली शुरुआत करी है। और फ्रेंड ये देखिए, आप लोगों को भी ये कलर जरूर अच्छा लगेगा। और फ्रेंड ये डिब्बा मैंने इसके ऊपर रखकर इसके साइज से इसको कैंची के साथ काट लिया है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से कटिंग कर ये देखिए, फ्रेंड इसी के साइज की मैंने कटिंग कर ली। अब फ्रेंड मैं इसको फेविकोल की मदद से ये देखिए इसको इसके ऊपर चिपका लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये भी 5 रुपए की फेविकोल है और वो सब घर का सामान, कुछ भी मैंने नहीं लिया। ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी बच्चों की, इसी का यूज करा है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर इसको चिपका लिया है फ्रेंड। पूरा मैं इसको राउंड करते हुए चिपकाती चली जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से इसके ऊपर चिपकाने के बाद फिर एंड में इसके मैंने ऐसे ही फेविकोल लगा ली है इसके ऊपर। ये देखिए इसको इस तरीके से चिपका दिया है पूरा। और फ्रेंड नीचे भी मैंने फेविकोल लगा के इसको चिपका लिया है। और फ्रेंड जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ अबरी है फ्रेंड, उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। जो किनारे किनारे फ्रेंड जंग लगा हुआ है, अंदर से खराब है तो ऊपर ऊपर से दिखेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड, एक प्लांटर मेरा बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड ये कितना अच्छा लग रहा है। अब फ्रेंड ये मैं दूसरी अबरी, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सा एक कलर है। ये मैं मंदिर के लिए अबरी लाती हूँ तो उसी में से ये मेरे पास बची हुई अबरियाँ हैं। और फ्रेंड इसको भी मैं कैंची से दूसरे प्लांटर के लिए काट लूँगी इसी तरीके से। फ्रेंड वो थोड़ा डिब्बा छोटा है तो इसके लिए मैंने उसी के नाप की कटिंग करी है इस तरीके से। ये देखिए, और फ्रेंड उसको भी मैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहला प्लांटर बनाया था उसी तरीके से मैं इस प्लांटर को भी ऐसे ही बनाऊंगी, सेम टू सेम। फ्रेंड फेविकोल लगा देने से ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगी, कभी
ये उतरती नहीं है फ्रंट, और ये कलर भी इतने सुंदर हैं, जितने पुराने गंदे गंदे डिब्बे थे सबके ऊपर ये बहुत अच्छी तरीके से लग रही है, ये देखिए। और फ्रेंड इसी तरीके से इसको भी मैंने बना दिया है दोनों तरफ से चिपका के। अब फ्रेंड इसमें भी वही जो एक्स्ट्रा है मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी, और फ्रेंड जो नीचे का है उसको मैंने फेविकोल की मदद से चिपका लिया है। फ्रेंड ऐसे ही करते दो प्लांटर रेडी हो गए हैं मेरे पास, और इसमें भी मैंने फेविकोल लगा दी है। फ्रेंड थोड़ा सा पीछे गली में कुछ बेचने वाले आते रहते हैं, शोर होता रहता है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और फ्रेंड मेरे प्लांटर आप देखिए कैसे आसानी से मैं बना रही हूँ, ये देखिए। ये भी बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड इसी तरीके से मैं अब सबसे छोटा प्लांटर है तीसरा, अब मैं उसको बनाऊंगी, ये देखिए दो रेडी हो गए, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब ये तीसरा प्लांटर है फ्रेंड, इसके लिए ये वाली एबरी है रेड में प्रिंटेड वाली, अब इसको भी इसी के साइज का मैं काट लूंगी रख के, ये देखिए फ्रेंड इसकी कटिंग इसी तरीके से करके। फ्रेंड इसको भी सेम टू सेम इसी तरीके से आप चिपका लीजिए, ये देखिए फ्रेंड ये अपने हाथ की चीज बनी हुई, और आपके गार्डन में आपके इंडोर का किसी भी जगह पे आप रखोगे बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड अगर आप प्लांट इसमें रखना चाहते हैं तो प्लांट रखिए, अगर इसमें आप बच्चों के पेंसिल या कोई भी ऐसी चीज रखना चाहते हैं जो आपको जल्दी से मिल जाए तो आप इसको अपने ड्राइंग रूम में किचन तक में इसको यूज कर सकते हैं। इसमें चम्मच वगैरह आप आसानी से रख सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे रखे हुए। और फ्रेंड आप इनको गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने हाथ से जब बनती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए फ्रेंड अब तीनों प्लांटर मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोगों को ये कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और फ्रेंड ये देखिए मैंने तीनों के अंदर प्लांट्स लगा दिए हैं। फ्रेंड ये देखिए तीनों प्लांटर मैंने रख दिए हैं, और फ्रेंड देखिए मैंने इनमें वही प्लांटर यूज करे हैं जो मैं गिलासों में डिबियों में छोटे छोटे प्लांट लगा के रखती रहती हूँ। फ्रेंड ये सारा टोटल वेस्ट मटेरियल है, आप लोगों को ये मेरा कबाड़ से जुगाड़ कैसा लगा फ्रेंड जरूर बताइएगा। और फ्रेंड मैं इनको इस तरीके से लगा के रखती हूँ, जब इनको पानी देना होता है तो फ्रेंड मैं गिलास आसानी से निकाल लेती हूँ डिब्बी वगैरह, और उनको वॉश करके थोड़ा सा उनको कपड़े के साथ साफ करने के बाद फ्रेंड मैं इसके अंदर दोबारा से लगा देती हूँ, ताकि फ्रेंड जो प्लांटर बनाए हैं उनमें पानी से कोई भी नुकसान ना हो। फ्रेंड एक में अजवाइन है, एक में मनी प्लांट है, एक में रियो का प्लांट है, तीनों प्लांटर में मैंने कुछ ना कुछ इस तरीके से लगा दिया है। फ्रेंड ये लगे हुए मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपको कैसे लगेंगे पता नहीं। और फ्रेंड आप लोगों को ये अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग। फ्रेंड आप भी फ्री में प्लांटर बनाएं, और फ्रेंड मैं भी आप लोगों की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करूंगी, आप भी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।